इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं। दीक्षांत समारोह में 46 स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। इन सभी छात्रों में दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक साथ 4 और 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। छात्रों से उनके सुनहरे सफर के बारे में चर्चा कर रही है हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की हीरक जयंती के अवसर पर यहाँ पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद शामिल हुई थी। शुभ, आपसे शुरुआत करूंगी। कभी सोचा था इतना बड़ा मौका मिलेगा कि एक नहीं, दो नहीं, 4 मेडल मिलेंगे, वो भी राष्ट्रपति के हाथों? बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब पढ़ाई कर रहे थे तब तो सिर्फ कंप्लीट एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन फाइनली जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था एंड बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग, बहुत ब्लेस्ड हैं। कैसा लग रहा है इशिका, 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, जो आज 46 छात्र सम्मानित हुए उनमें लड़कियों की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन आपको 3 गोल्ड मेडल मिले उनमें? जी मैम, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि जब पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब लॉ मैंने शुरू किया था, तब कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। जब आपको 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, किस सब्जेक्ट में मिले हैं, क्या कुछ खास किया था आपने जिसके चलते 4 मेडल्स मिले? प्रिपरेशन तो मेन यही था कि फ्रॉम द डे 1 यू हैव टू बी कम्प्लीटली एम्ड एंड यू हैव टू एम फॉर द टॉप। सो मेहनत करते रहा एंड इवेंचुअली जो है वो रिजल्ट्स ला पाया। तो अभी आप क्या कहेंगे, मतलब क्या प्रिपरेशन आपने की थी? जी मैम, मैं शुरू से ही अपनी स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंट रही थी। 46 छात्र हैं जिन्हें मेडल इस बार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 46 छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए हैं, जिनकी किस तरह से उनकी ये पूरी जर्नी रही है वो IBC24 ने आपको बताया है और इसी तरह से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC24 इंदौर।